The output of given example is case just to सबसे पहले provide किया pointers array declaration a with initial size 5. ये सबसे पहले create करेंगे array diagram. इसे array के इसमें total number of elements कितने found होता है exactly 5 elements. तो सबसे पहले memory allocation perform करेंगे 5 elements के लिए in the form of contiguous memory locations. अगर first element का address 100 है, then next element का address क्या होगा? इस केस में 102, 104, 106 and 108. इस ब्लॉक को एक नेम असाइन करेंगे एरे नेम ए. इनिशियल वैल्यू इज 10, 20, 30, 40 एंड 50. अगर फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस 100 है तो इसको नेम असाइन करेंगे एज स्टार 100 सेम एज स्टार 102 स्टार 104 स्टार 106 स्टार 108. This is the property of star operator or value contents operator. Value contents operator का जस्ट property क्या था? किसी भी address के लिए apply करना possible. जब भी star operator किसी भी address के साथ apply करता है, तो final place पर replace क्या हुआ? इसे return क्या हुआ? Value of that location. Next one, second case में जस्ट create किया pointer variable p and p के respect मात करें तो p का size क्या हुआ इस case में? P जब pointer variable हो, किसी भी pointer का size क्या होता है? Always 2 bytes. Then p के लिए simply 2 bytes allocate होंगे. इस केस में इसको मैं address provide कर रहा हूं 98. Now p is pointing. Then p के केस में assign क्या हो रहा है? Address of a और simply a. Array name के place पर always replace क्या हुआ? It's base address. Currently base address क्या है इसका? 100. Therefore 100 is assigned to the pointer variable p. इसे initially p में क्या assign हुआ? 100. नहीं, इनिशियली पॉइंटर वेरिएबल किस एलिमेंट को पॉइंट करेगा, किस लोकेशन को पॉइंट करेगा? एग्जैक्टली 100 लोकेशंस. मींस पॉइंटर के रिस्पेक्ट में टू लोकेशंस क्रिएट होते, पी और स्टार पी. तो करंटली स्टार पी किस लोकेशन का नाम है? वो जिस लोकेशन का एड्रेस पी में स्टोर है. प्लस इस लोकेशन ऑनवर्ड्स और एड्रेस से कितने बाइट्स पॉइंट करना स्टार्ट करेगा? 2 बाइट्स. बिकॉज पॉइंटर का टाइप क्या है? जस्ट इंटीजर पॉइंटर. 100 लोकेशन से जस्ट कंटीन्यूअस 2 बाइट्स का नेम क्या हुआ इस केस में? एज अ स्टार पी. मीन्स करंटली स्टार पी किस एलिमेंट को रेफर कर रहा है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इंटीजर एरे. नेक्स्ट वन, इसके जैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? प्रिंट एफ. प्रिंट एफ के अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्रेशन पार्ट किए जस्ट कंपेरिजन पर, जिससे आपके लिए इनके बिहेवियर कंपेयर करना पॉसिबल हो. प्रिंट एफ के केस में अगर आप एक से ज्यादा एक्सप्रेशन पार्ट कर दें, इन एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ डिक्लेरेशन टाइप इज सी डिक्लेरेशन. इन सी के अंदर जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शन है, सभी प्रीडिफाइंड फंक्शन का डिक्लेरेशन स्टाइल क्या? सी डिक्लेरेशन. और सी डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग आर्गुमेंट कैसे प्रोसेस होंगे? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो सबसे पहले राइट मोस्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करें इस केस में. लास्ट एक्सप्रेशन क्या इस केस में? स्टार पी प्लस प्लस. स्टार पी प्लस प्लस इस टाइप का एक्सप्रेशन प्रीवियस एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया था. जस्ट इस केस में टोटल ऑपरेटर्स कितने? टू यूनरी ऑपरेटर्स. दोनों के प्रायोरिटी कैसे? सेम. देन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन एसोसिएटिविटी रूल. एसोसिएटिविटी रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो राइट टू लेफ्ट सबसे पहले चांस किसको मिलेगा? प्लस प्लस को. प्लस प्लस के रिस्पेक्ट में ऑपरेंड क्या है? स्टार पी और ओनली पी. प्लस प्लस अप्लाई किसके लिए? और ओनली पी के लिए. अगर इंक्रीमेंट पी के लिए अप्लाई हो रहा है, तो इंक्रीमेंट किस में होगा? एड्रेस में. अगर स्टार पी के लिए अप्लाई हो रहा है, तो इंक्रीमेंट किस में होगा? ऑलवेज वैल्यूज. तो इस केस में अप्लाई किसके लिए हो रहा है? पी के लिए. मीन्स एड्रेस इंक्रीमेंट. लेकिन इसका टाइप क्या? पोस्ट इंक्रीमेंट. पोस्ट है तो पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट. तो सबसे पहले पी प्लस प्लस के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे? करेंट वैल्यू ऑफ पी. करेंटली पी में क्या स्टोर है? 100. इसलिए रिप्लेस क्या कराएंगे? एग्जैक्टली 100. 100 रिप्लेस होने के जस्ट बाद जब इंक्रीमेंट परफॉर्म होगा पी में, पी पॉइंटर है तो पॉइंटर में इंक्रीमेंट कितने से होगा? 2 से. जस्ट बिकॉज ऑफ इंटीजर पॉइंटर. इंटीजर पॉइंटर में इंक्रीमेंट कितने से होता है? 2 से. नेक्स्ट वन, अब सेम पॉइंटर वेरिएबल किस लोकेशन को पॉइंट करेगा? 102 लोकेशन. मीन्स इस केस में स्टार पी किस लोकेशन का नेम होगा? 102. और स्टार पी सिमिलर टू स्टार 102. नेक्स्ट वन, इस एक्सप्रेशन के अंदर फाइनली रिप्लेस किया हुआ स्टार 100. और स्टार 100 के प्लेस पर क्या आएगा? वैल्यू ऑफ स्टार 100. स्टार 100 का वैल्यू क्या करंटली? 10. तो फाइनली रिप्लेस क्या हुआ इस केस में? रिजल्ट इज 10. मीन्स लास्ट एक्सप्रेशन के केस में इसका रिजल्ट क्या आएगा? जस्ट 10. नेक्स्ट वन, सेकेंड लास्ट एक्सप्रेशन, प्लस प्लस स्टार पी. प्लस प्लस स्टार पी. अगेन इसको राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे. राइट टू लेफ्ट सबसे पहले चांस किसको मिलेगा इस केस में?
स्टार पी को, मीन्स प्रीवियस केस में इंक्रीमेंट ऑपरेटर ओनली पी के लिए अप्लाई हुआ था, लेकिन इस केस में इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई किसके लिए हो रहा है, स्टार पी के लिए। स्टार पी मीन्स दैट लोकेशन और स्टार 102 लोकेशन। स्टार 102 का करंट वैल्यू क्या है, 20। प्री इंक्रीमेंट है तो पहले इस प्लेस पर स्टार पी के वैल्यू में इंक्रीमेंट कराएंगे, देन जस्ट रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले स्टार मीन्स प्री इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सबसे पहले स्टार पी में इंक्रीमेंट हुआ, स्टार पी का करंट वैल्यू क्या 20, इंक्रीमेंट होने से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 21। इमीडिएटली इंक्रीमेंट के जस्ट बाद इस प्लेस पर रिप्लेस क्या होगा, वैल्यू ऑफ स्टार पी विच इज 21। देन फाइनली सेकेंड एक्सप्रेशन के प्लेस पर रिप्लेस क्या होगा, रिजल्ट एज 21। क्लियर। नेक्स्ट वन अगेन सॉल्व करेंगे थर्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, इसमें प्लस प्लस स्टार पी प्लस प्लस। अगेन इसे एक्सप्रेशन में टोटल थ्री ऑपरेटर्स ऑकर हुए, तीनों ऑपरेटर कैसे हैं इस केस में, ऑल आर यूनरी ऑपरेटर, सभी यूनरी ऑपरेटर का प्रायोरिटी सेम होता है, इसलिए सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन एसोसिएटिविटी रूल। और एसोसिएटिविटी रूल क्या है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट सबसे पहले किसको चांस मिलेगा, पोस्ट के लिए ऑपरेंट क्या है, इसे पोस्ट ओनली पी के लिए अप्लाई हो रहा है, न कि स्टार पी के लिए। क्लियर। देन नेक्स्ट टाइम चांस किसको मिलेगा, स्टार पी। नेक्स्ट टाइम प्री। तो राइट टू लेफ्ट सबसे पहले परफॉर्म किया हुआ पोस्ट इंक्रीमेंट, और पोस्ट इंक्रीमेंट अप्लाई किसके लिए हुआ, पी के लिए। पी के केस में सबसे पहले इस प्लेस पर पी के प्लेस पर पी का वैल्यू रिप्लेस होगा, पी में इंक्रीमेंट होगा, पोस्ट है तो पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट, अगर प्री होता तो पहले इंक्रीमेंट देन रिप्लेसमेंट। वन मोर थिंग्स, ये इंक्रीमेंट पी में हो रहा है, स्टार पी में, पी में, तो पहले रिप्लेसमेंट कराएंगे, रिप्लेस क्या कराएंगे, करंट वैल्यू ऑफ पी, क्योंकि इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, पी में, तो पी का करंट वैल्यू क्या है 102, रिप्लेस करेंगे 102। रिप्लेसमेंट के जस्ट बाद जब जैसे ही पोस्ट इंक्रीमेंट अप्लाई हुआ तो पी में इंक्रीमेंट होगा इस केस में, और पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी मीन्स एड्रेस इंक्रीमेंट, तो पी का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा 104। नेक्स्ट टाइम स्टार पी अब किस लोकेशन का नेम होगा, स्टार 104। क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन राइट टू लेफ्ट स्टार किसके लिए अप्लाई हो रहा है, एड्रेस 102। स्टार 102 क्या है, लाइक अ नेम ऑफ लोकेशन, मीन्स किसी लोकेशन का नेम है, इसलिए इंक्रीमेंट किसके लिए अप्लाई होगा, लोकेशन स्टार 102, और स्टार 102 का करंट वैल्यू क्या है 21। इस केस में इंक्रीमेंट का टाइप क्या है, प्री और पोस्ट, प्री है तो पहले इंक्रीमेंट देन रिप्लेसमेंट, मीन्स स्टार 102 में करेंटली 21 स्टोर है, जैसे इसके लिए प्री इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे इसका नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 22। पहले इंक्रीमेंट देन रिप्लेसमेंट प्लस इस एक्सप्रेशन के प्लेस पर रिजल्ट भी क्या रिटर्न होगा, इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ स्टार 102 विच इज 22। मीन्स इस एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 22। लेकिन पी अभी किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, स्टार 104 मीन्स 30 एलिमेंट। नेक्स्ट वन अगेन फोर्थ एक्सप्रेशन के केस में जस्ट प्रोवाइड क्या हुआ, प्लस प्लस स्टार पी प्लस 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 स्टार पी प्लस प्लस, अगेन सिमिलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इस केस में फिर से राइट टू लेफ्ट सॉल्व करो तो राइट टू लेफ्ट फाउंड क्या हो रहा है, प्री और पोस्ट, जस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट है तो पहले पी के प्लेस पर रिप्लेस क्या कराएंगे, वैल्यू ऑफ पी, करंटली पी का वैल्यू क्या इस केस में 104, रिप्लेस क्या होगा इस प्लेस पर 104। देन पी में इंक्रीमेंट होगा तो पी में इंक्रीमेंट होने के बाद आसानी क्या हो जाएगा 106। देन अगेन फिर से प्री इंक्रीमेंट किसके लिए अप्लाई हो रहा है, स्टार 104 के लिए, और स्टार 104 का करंट वैल्यू क्या 30, इंक्रीमेंट होने के जस्ट बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाए 31। देन वैल्यू 31 होने के जस्ट बाद देन नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, प्री के मीन्स प्री के केस में पहले इंक्रीमेंट ऑलरेडी करा चुके हैं, देन रिप्लेसमेंट, और रिप्लेस क्या करेंगे, करंट वैल्यू और इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ स्टार 104। स्टार 104 का वैल्यू क्या है 31, इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, रिजल्ट है 31। वन मोर थिंग, इस केस में पी के अंदर एड्रेस किसका है 106 का, तो स्टार पी किस लोकेशन को रेफर कर रहा है, स्टार 106। क्लियर। नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले कर रहा है वैल्यू ऑफ स्टार पी, स्टार पी में करंटली क्या 40, तो नेक्स्ट टाइम इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा 40। फाइनली फर्स्ट परसेंट नी के प्लेस पर क्या आएगा 40, सेकेंड के प्लेस पर 31, 22, 21 एंड 10, दिस इज द आउटपुट ऑफ गिवन प्रोग्राम। मीन्स फाइनली इस केस में आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा 40, 31, 22, 21 एंड 10।